नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ रत्नाकेश टंडन। आम आदमी पार्टी लगातार सियासत की बुलंदियों को छू रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसकी सरकार एक से ज्यादा राज्य में है, लेकिन कामयाबी के साथ साथ आम आदमी पार्टी लगातार मुश्किलों में फंस रही है। दिल्ली में शराब घोटाले मामले में पहले मनीष सिसोदिया जेल गए, अब संजय सिंह शिकंजे में है। दरअसल इन दो नेताओं को छोड़ भी दें तो अब तक आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता मंत्री सलाखों तक पहुंच चुके हैं। सत्येंद्र जैन, संदीप कुमार, जितेंद्र तोमर, सोमनाथ भारती, अमानतुल्ला खान, विजय नायर, ताहिर हुसैन, विजय सिंगला, ये सब किसी न किसी मामले में जेल जा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है, जो पार्टी कट्टर ईमानदारी का टैग लगाकर सियासत करने आई थी, उसने इतने सारे नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लिया? और सवाल ये भी है कि अगर चुनावी मौसम में विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई होगी तो सवाल क्यों नहीं, क्या चुनावी मौसम में केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक्शन से दूर रखना चाहिए? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सूत्रों के हवाले से कह सकता हूँ, मीडिया के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले हैं वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नेचर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हमारे देश में पिछले एक हफ्ते से एक अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। सबसे पहले देश के वरिष्ठ पत्रकारों को रेड किया गया, अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, उसके बाद टीएमसी के सांसदों को पुलिस ने घसीट घसीट के गिरफ्तार किया। कल संजय सिंह के घर में छापा पड़ा, कुछ नहीं मिला, फिर भी उनको अरेस्ट किया गया। आज डीएमके के नेताओं के घर, जो इंडिया अलायंस का पार्टनर है, उनके नेताओं के घर पे रेड हो रही है। तो क्या है ये? ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं और उस हार के डर से ईडी और सीबीआई के सामने। संविधान की रक्षा पहला हमारा काम, दूसरा लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें एक, तीसरा देश बचाओ भाजपा हटाओ। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बदनाम करने के लिए और उन पर पहले से जो कार्रवाई कर रही है अपने अधिकारियों से उनको फंसाने के लिए, सरकार में रह करके कौन सा अधिकारी किसको नहीं फंसा देगा? एसओ से कह दो वो जेल भेज देगा, लेखपाल से कहो वो जमीन के विवाद तैयार कर देगा। तो सरकार में रह करके ऐसी कार्रवाइयों से सरकार मजबूत नहीं होती है। जब कभी भी जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनको जवाब देगी। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है? आज देश का सवाल है, संजय सिंह पर एक्शन का चुनावी कनेक्शन क्यों? संजय सिंह पर कार्रवाई आपकी विस्तार नीति को क्या एक झटका है? विपक्षी नेताओं पर जांच हमेशा सवालों के घेरे में क्यों रहती है? चुनावी मौसम में केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निशाना क्यों लगाया जा रहा है? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। वीरेंद्र बब्बर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। शुभ मल्होत्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। और चंद्रशेखर झा, प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से। और संजय सरकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र बब्बर जी, आपसे ही शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब बीजेपी हार रही है इसलिए चुन चुन कर बदला ले रही है, विपक्ष निशाने पर है, कहा शराब घोटाले में कुछ भी नहीं मिला है। संजय सिंह के परिवार की कल बाइट सुन रहे थे, उसमें ये कहा गया कि पूरे दिन ईडी थी, जबरदस्ती दबाव बनाया, कुछ भी नहीं मिला है। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी, जिस प्रकार से हम सब जानते हैं शराब घोटाला एक
हम सबके बीच में पुरानी चीजें हैं जिसके ऊपर जांच चल रही है। ये दिल्ली के देश के बहुत बड़े घोटालों में से एक घोटाला है, और जिस प्रकार से हम सब जानते हैं दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जनप्रतिनिधि केजरीवाल जी जो है वो कहा करते हैं, अक्सर शोर मचाते हैं कि मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, चुनी हुई मेरी सरकार है, मुझे दिल्ली के लिए नीति बनाने का पूरा अधिकार है। और माननीय कोर्ट भी ये कहती है कि आप चुने हुए हैं, चुनी हुई सरकार है, आपको पूरे अधिकार है दिल्ली के लिए नीति बनाने की, परंतु उस नीति के दौरान कानून के दायरे में अगर आप नहीं रहेंगे, कानून के दायरे को तोड़ते हुए अगर बोनाफाइड इंटेंशन से कहीं कोई ऐसी कमियां छोड़ते हैं जिससे इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलता है, तो निश्चित रूप से वो जांच के दायरे में आएंगी, और जब वो जांच के दायरे में आएंगी तो जांच होगी और दोषी पाए जाएंगे तो गिरफ्तार भी होंगे। हम सब जानते हैं जिस प्रकार से मुख्य आरोपियों में से एक आरोपी दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बन गए हैं और जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के निवास पर, सीएम के निवास पर, सीएम के सामने, सीएम के इशारे पर संजय सिंह ने जो है मुझसे पैसों की बात की, 25 लाख रुपया मुझसे जो है बाई चेक जो है वो अकाउंट के अंदर लिया गया और बाकी पैसों के लिए मुझे बताया गया कि किस प्रकार से करना है। तो जब पैसे की डीलिंग हो गई, पैसे की ट्रेलिंग हो गई, जब मनी ट्रेलिंग की बात आ जाती है तो वो ऑटोमेटिक जो है ईडी के दायरे में आ जाता है, ईडी उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और कल तक की तो बात है, परसों तक तो आप देखिए, परसों तक तो किस प्रकार से बड़े जोश के साथ चैनल के ऊपर आके मीडिया को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब कहा करते थे कि आप आइए मुझे गिरफ्तार कीजिए, अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कीजिए। आज अगर ईडी ने गिरफ्तार किया तो शोर मचा रहे हैं कि गिरफ्तार क्यों किया। आ रहा हूं आपके पास समय से शुभ मल्होत्रा, आम आदमी पार्टी की तरफ से शुभ। दिनेश अरोड़ा टर्न सरकारी गवाह, जो बयान है वही ट्रेल है और वही आधार है। बब्बर जी कह रहे हैं कि साहब अगर कुछ गलत नहीं है जो सरकारी गवाह बोल रहा है, और यहां तक बोल रहा है कि साहब हम तो गए थे, हमने चेक से पैसा दिया, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, कहा इसलिए गिरफ्तारी हुई। नहीं, अब मैं नहीं जानती हूं कि हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनको ईडी से या कोर्ट से या सीबीआई से कुछ ज्यादा पता है, जो ये ऐसे बोल रहे हैं कि बस एक अप्रूवर जो आदमी बना है उसके अप्रूवर बनने के बाद उसने जो बयान दिया, बस एक लाइन बोली कि चेक दिया गया, डोनेशन दिया गया, इससे भी कोर्ट तो नहीं मानती कि कहीं घोटाला अप्रूव होता है। तो ये किस प्रकार से यहीं पर बैठ करके, ऐसा कौन सा इन्होंने ईडी सीबीआई को अपने जेब में रखा हुआ है कि यहीं पर बैठ के बोल रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा घोटाला है, हा? ये कौन सा मतलब 35 लाख का कौन सा देश का सबसे बड़ा घोटाला कैसे हो गया? और सुप्रीम कोर्ट को ये आप देखिए यहाँ पर कैसे मिस कोट कर रहे हैं, है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज हैं, इनकंसिस्टेंसीज हैं दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की इन्वेस्टिगेशन में, ईडी को डांटा है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वेयर इज द प्रूफ, वेयर आर द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद और कल खुद ईडी को लठाड़ा है कि आप एक भी रुपए का मनी ट्रेल नहीं प्रूव कर पाए। ईडी और सीबीआई लगभग 500 अफसरों को 15 महीने से लगा करके देश के टैक्सपेयर से ये ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं, देश के टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है भाजपा के वेंडेटा पॉलिटिक्स के चक्कर में। वीरेंद्र जी एक बार जवाब दे दीजिए, कहां सबूत कहां है, मनी ट्रेल कहां है, पैसे की रिकवरी कहां है, फार्म हाउस कहां है, सोना चांदी कहां है? और ऊपर से जिस प्रकार से आदरणीय जो हमारे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, जिस प्रकार से ये बोल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है, अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो डांटा जरूर है, परंतु मनीष सिसोदिया जी को डांटा है कि आप 3-3 बार बेल मांगने के लिए आए हैं और हर बार जो है बेल मांगते हैं अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के लिए, आप इस बात पे क्यों नहीं बेल मांगते, आप क्यों नहीं कहते कि आप निर्दोष हैं, अपनी जेब भाई का कोई सबूत क्यों नहीं पेश करते, बीच में क्यों बोल रही है दीदी, आप मेरी बात सुनिए ना पहले, तभी तो जवाब दे पाएंगे, तभी तो जवाब दे पाएंगे। जब मैंने आपकी बात को सुना, अब आप मेरी बात को सुनिए, जब बात को सुनेंगे नहीं तो जवाब नहीं दे पाएंगे। आर्गुमेंट मत कीजिए, सवाल जवाब कीजिए, सब्जी मंडी बनाइए, डिबेट बनाइए। मैंने कहा ना 3-3 बार मनीष सिसोदिया की बेल क्यों रिजेक्ट हुई, क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप हर बार अपनी पत्नी की हेल्थ ग्राउंड के ऊपर जो है बेल मांगते हैं, क्यों नहीं ऐसा कोई साक्ष्य लाते, क्यों नहीं ऐसा कोई एविडेंस लाते जिससे पता लगे कि आप बेगुनाह हैं।
और जिस प्रकार से आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस जिसके कट्टर ईमानदार की घोषणा की, जिस जिसको कट्टर ईमानदार की पदवी दी, जितेंद्र तोमर से शुरू हो जाइए कि इनकी एक एक डिग्री मैंने देखी है, सारी डिग्री असली है, मैं IRS हूं, अगर एक भी डिग्री नकली होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो कट्टर ईमानदार है, वो कट्टर बेईमान निकला, सारी डिग्री उसकी नकली निकल के आई। सत्येंद्र जैन जी के लिए इन्होंने कहा कि वो कट्टर ईमानदार है, सत्येंद्र जैन की सारी ईमानदारी आपके सामने आ गई। मनीष सिसोदिया जी के लगा कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, हिम्मत भी हुई गिरफ्तार भी हुई, आज तक जमानत नहीं हो रही, और आप संजय सिंह के बारे में कब तक कहते थे कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, अगर गिरफ्तार हुए, देखिए ईडी का काम है, ईडी का काम केवल इतना है गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना, माननीय कोर्ट के सामने एविडेंस रखना, अगर उस एविडेंस में कोई दम होगा तो न्यायिक जो है उसको ठीक के लिए दे देंगे। अगर इस पॉइंट को लेकर आगे जाना चाहता हूँ, ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र यादव, शुभ एक मिनट में आओ, एक बार धर्मेंद्र यादव जी के साथ, चंद्रशेखर जी भी जुड़ गए। धर्मेंद्र, दो पॉइंट है, विपक्ष कह रहा है कि साहब ये जो सेंटर एजेंसीज है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है, सिर्फ विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन जब ये सारे मामले कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट में ये मामले रुकने नहीं चाहिए, सबूतों के अभाव में तुरंत जमानत होनी चाहिए, FIR क्वैश होनी चाहिए, कोर्ट तो किसी के गिरेबान में नहीं है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला है, दो दो साल, डेढ़ डेढ़ साल लोगों को जेल में रहना पड़ रहा है, कुछ तो होगा जांच एजेंसियों के पास। राकेश जी, भारत की जो न्यायपालिका है उस पर कितना लोड है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद 2015 में केस फाइल किया हुआ है और 2023 आ गया है, उसमें डेट भी नहीं लगती है। तो भारत की न्यायपालिका का जो लोड है उस लोड की वजह से जो केस फाइल पेंडिंग है उसकी वजह से उसमें डिसीजन नहीं आ पा रहे, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 के बाद कुल 176 मामले नेताओं पर रजिस्टर्ड हैं, जो एक्स एमपी हैं, एमएलए हैं या सिटिंग एमपी एमएलए हैं, उनमें से 115 विपक्ष के हैं, तो ये बात तो बिल्कुल कहने की है ही नहीं है, ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर फंसाने का प्रयास किया है। मैं बस एक बात कहूंगा कि जब लोकतंत्र में बंदूक और कलम पर, जब लोकतंत्र में कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा हो जाए तो इसका मतलब तानाशाह डर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये बता नहीं सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके बेटे की कंपनी थी और मात्र 2014 में 73 लाख रुपए की थी और आज 5,985 करोड़ रुपए की हो गई है। इसकी जांच अगर कर ले तो फिर क्या मिलेगा? वीरेंद्र बब्बर जी, हिम्मत नहीं है, सुनिए, ईडी की हिम्मत नहीं है, उनसे पूछ ले। और ये भी आप जानते हैं जय शाह जी इस भारत देश के सबसे काबिल, सबसे कामयाब, सबसे बड़े, सबसे जानकार क्रिकेटर हैं, जो सचिन से भी आगे हैं, धोनी से भी आगे हैं, कपिल देव से भी आगे हैं, वीरेंद्र जी आगे हैं, उनसे काबिल विपक्ष का कहना है। चंद्रशेखर जी, झा जी आ रहा हूँ आपके पास, सरकार साहब आपके पास भी आ रहा हूँ, एक बार बब्बर जी के पास। बब्बर जी, 99% केसेस सिर्फ विपक्ष के खिलाफ, इस पर एक सवालिया निशान, और दूसरा केसेस हो सकता है लंबा चले। देखिए इसमें दो बातें, एक पक्ष ये कहता है कि साहब सबूत नहीं है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आपको रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, बीजेपी इस बात को कहती है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन आप सेकंड पॉइंट देखिए, कन्विक्शन रेट क्या है, आप ठीक है 2 साल किसी को, 2.5 साल 3 साल रख लीजिए, कन्विक्शन रेट जो है वो भी बहुत कम है, लगभग 2.25% है। देखिए मैं आपको इस अंदर एक बात कहना चाहूंगा, लोकतंत्र की आड़ में जब प्रदेशों में जो राज्य सरकारें हैं उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, जब भ्रष्टाचार जो है लोकतंत्र की उस रूल की आड़ में जब भ्रष्टाचार करते हैं और उस भ्रष्टाचार पर होने वाली जांच के खिलाफ जब वो आवाज उठाते हैं तो वास्तव में लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी 14 पार्टियों के मिले जुले एडवोकेट साहब गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो है ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो है विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है, ये चुनावी राजनीति है। तो उसके अंदर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपके ये जो बात कह रहे हैं उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने की स्थिति में आई तो उनको शर्मिंदगी हुई। 14 राजनीतिक दल गए थे, अभिषेक मनु संघवी के इनके एडवोकेट थे और वो याचिका जो इन्होंने लगाई थी वापस ली थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस प्रकार से भ्रष्टाचार की जांच को किस आधार पे कह सकते हैं और जो आप जो 14 लोग आए हैं उन 14 में से क्या किसी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर के ऊपर कोई कह सकते हैं कि आप में से किसी के साथ अत्याचार हुआ है और अगर हुआ है तो उसे सोचिए, जनता में भाषण दे रहे हैं, जनता चली जाएगी, यहाँ भाषण देने थोड़ा आए हो।
वीरेंद्र जी, विपक्ष जो सवाल मैंने पूछा था शायद वो भी एक मिनट आ रहा हूँ। ऐसे एक साथ आप लोग बोलेंगे तो किसी को नहीं समझ जाएगा क्या हो रहा है। वीरेंद्र जी, जो सवाल है विपक्ष का कि ठीक है, आपने कहा कि अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ऊपर से डिसीजन लिया गया है, ठीक है, आपको कोर्ट से रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, ये बात मैं मानता हूं आपकी। लेकिन सेकंड पार्ट इसका यही है, कन्विक्शन रेट 2% से भी कम है, ऐसा क्यों? अभी फैसला थोड़ी आ गया, अभी तो जांच चल रही है, कन्विक्शन रेट है, फैसले आ चुके हैं उसके। भाई कौन सी पढ़ाई पढ़ के आते हो आप? अरे भाई ठीक है, आ रहा हूँ एक बार चंद्रशेखर झा जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर संजय सरकार जी आपके पास आऊँ। चंद्रशेखर झा जी, ये हर सरकार, आज एनडीए की सरकार है तो विपक्ष कह रही है कि साहब एनडीए जो है वो विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पहले यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त यूपीए के अंदर के लोग और विपक्ष इस बात को कहते थे, आ रहा हूँ शुभ आ रहा हूँ एक मिनट, कि साहब जिसकी सरकार होती है उस समय मुझे याद है, धर्मेंद्र यादव जी बैठे हैं हमारे साथ, उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कहती थी कि बड़ा प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, तो सरकार एजेंसी साथ में है, ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। केंद्र में जो रहता है वो बॉस होता है, इसको ये एक नेचुरल ट्रुथ है जो हमें मान लेना चाहिए, और सरकारें आती जाती हैं उस हिसाब से चेंज हो जाता है। आज एनडीए की सरकार है, आप कहो साहब एनडीए, पहले यूपीए की थी तो लोग यूपीए पर आरोप लगाते थे। जांच एजेंसियां काम कब करें? आप कहिए साहब अभी 5 राज्यों का चुनाव है, इसलिए ताबड़तोड़ देश में ईडी कार्रवाई कर रही है, उसके बाद लोकसभा आ जाएगा, उसके बाद अगर एक साथ चुनाव नहीं आए तो महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव सामने खड़ा रहेगा, फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे और 2 राज्यों के चुनाव है, तो साल में 2-3 बार तो चुनाव होता है। अब जांच एजेंसी भी काम कर रही है, उसको भी तो वक्त चाहिए साहब। अगर संजय सिंह के यहां रेड की गई तो ऐसा नहीं होगा कि पहली बार रेड हुई होगी, कुछ ट्रेल होगा, कुछ गवाह होंगे, कहीं कन्फ्रंट कराना होगा, आमने सामने बैठाना होगा, इसलिए उन्होंने कहा साहब हमको दीजिए 7 दिन की रिमांड। तो जांच एजेंसियां भी तो काम करेंगी, या काम करना छोड़ दे, कहें साहब हम कुछ भी करेंगे तो राजनीति के दायरे में आ जाएगा, इसलिए ये डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए, जांच करना बंद कर दीजिए। चंद्रशेखर झा जी, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है, ईडी और सीबीआई आज के दिन जो काम कर रही है वो किसके इशारे पे काम कर रही है? अंडर द इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑफ पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनको जो इंस्ट्रक्शन आता है उसी पे वो काम करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, और ये आज 9 साल से हम लोग काफी कुछ देख चुके हैं, और जिनके यहाँ जितनी भी रेड्स होती है वो इंस्ट्रक्शंस वहीं से आती हैं। आप देखिए उनके चीफ को जो है चेंज करने के लिए ये नहीं मान रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब इनके चीफ को जो है इनको चेंज करना पड़ा। तो ये सारी चीजें क्लियर कि अभी जो चल रहा है वो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, रिवेंजफुल पॉलिटिक्स है, जो कि गलत है। एक पॉलिटिकल नोशन या नेचर में जो है ये करना गलत है। आप ऑपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं करिए, लेकिन उसका एक तरीका है, आप जिसका देख रहे हैं आपने किसको टारगेट किया। आप जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता है, जो पूछताछ जो गवर्नमेंट से बोलते हैं कि भाई आपकी जो पॉलिसी है वो गलत है, आप जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, कल को ये भी हो सकता है कि हम आप टीवी पे बैठे हैं, हम लोग जितने भी स्पीकर हैं और टीवी पे बैठे हैं, हमारे यहाँ भी सीबीआईडी हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ऑपोजिशन के ऊपर टारगेट करना रिवेंज, ठीक है, मैं पॉइंट ले लिया, ऑपोजिशन पे टारगेट, ठीक है। पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय सरकार जी, सिर्फ दिल्ली की दिक्कत नहीं है ये दिक्कत, देखिए बंगाल में भी है ये दिक्कत, तमिलनाडु में भी है ये दिक्कत, कर्नाटका में भी है। तो एजेंसीज अपना काम कर रही है, विपक्ष कह रहा है साहब सारी कार्रवाई हमारे ही खिलाफ है। सबसे बड़ी बात है, प्रियंका चतुर्वेदी जी राज्यसभा में एक सवाल पूछे थे, हेलो प्रियंका चतुर्वेदी जी सवाल पूछे थे, तो उस सवाल में पूछा बोला गया है जो मतलब जो कॉन्विक्शन रेट क्या है, अभी तक कितना रेट हुआ है, तो उसमें बोला 3000 केस रेट हुआ है, 3000 केस में रेट हो चुके हैं, ठीक है, और 3000 केस में रेट हो चुके हैं, और उसमें कॉन्विक्शन कितना, सिर्फ 23 हुआ है,
वाली फॉर 23। आप रेट देखिए, मतलब 1% भी कन्वेक्शन रेट नहीं है वहां पर ईडी सीबीआई के, 1% भी नहीं है। मतलब क्या है, अनसक्सेस है, टोटल अनसक्सेस है। एक्चुअल क्या, ये पॉलिटिकल रिवेंज हो रहा है, ये पॉलिटिकल रिवेंज हो रहा है और कुछ नहीं है। देखिए कहीं कुछ निकाल नहीं पाएंगे, हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज सबसे बड़े बात है, आरएसएस के बंगाल में एक पत्र, ये पेपर है, पेपर में लिखा है कि आप लोग जो ये खींची कर रहे हैं, अल्टीमेट क्या हो जाएंगे, जब आपको, जब सरकार जाएंगे आपके ऊपर, तो वही हो जाएंगे। तो अदानी वाला मैटर जो बहुत बड़ा मैटर है, 1,45,000 करोड़ रुपए से एसबीआई से लिया, एसबीआई से टोटल 29,80,000 करोड़ रुपए लोन लिया है, वो पैसा वापस, तो एक पैसा भी कर्जे पर डूबे हुए हैं। और द्वारका में एक किलोमीटर रास्ता बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, जहाँ एक किलोमीटर रास्ता खर्चा होता है 16 से 18 करोड़ का अंदर में, मतलब जो अच्छा तरफ से बन जाता, 250 करोड़ खर्चा हो गया नेशनल हाईवे में। तो आपको घर के अंदर में इतना कुछ है। आप देखे हरियाणा में रास्ता बनाया, तुरंत रास्ता टूट गया है, आप देखे, आपको नजर से देख चुके हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार में क्या है, नहीं हमें आपको, हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचार के महान आदमी है, शुभेंदु अधिकारी को पैसा लेते हुए पकड़ा गया है, लेकिन ये कहा है सब गंगा जल में आ गया, नहा दिया है, ठीक है। एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ, शुद्ध हो गया सरकार साहब, एक मिनट रोक रहा हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनाते हैं। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी, सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के, उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सर, एक मनीष सिसोदिया के मामले में कड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर, उससे साफ उसी से लगता है, मतलब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। ठीक है, वापस आऊंगा। वीरेंद्र बब्बर जी, चंद्रशेखर झा जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय सरकार जी यही बात कह रहे हैं। कहा साहब, जो प्रियंका चतुर्वेदी जी का सवाल था उसमें बताया कि 2.5% था कन्विक्शन रेट का, इसका मायने क्या है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट वीरेंद्र, पूरा सवाल, कई सारे एग्जाम्पल संजय सरकार जी ने दिए, कहा जो लोग विपक्ष में थे उनके ऊपर आरोप थे, लेकिन जब बीजेपी ज्वाइन करी या बीजेपी के साथ आए तो सारे आरोप साफ हो गए। देखिए, दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर। अभी जिस प्रकार से इन्होंने कहा कन्वेंशन रेट की बात की, तो 2014 से पहले के उसमें कितने केस थे और 2014 के बाद के कितने केस हैं, ये मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु एक बात बताना चाहूंगा, 2014 से पहले इसी सीबीआई को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है सरकार का तोता कहा गया था, परंतु 2014 के बाद सीबीआई की वर्किंग को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा माननीय सरकारी एजेंसी को जो है सराहा जा रहा है। और एक बात और, ये सीबीआई और ईडी, ये दोनों ऐसी एजेंसी हैं 2014 से लेकर आज 2023 तक, दोनों ने जितने भी मुकदमे, जितने भी केस दर्ज किए हैं, उसके साथ 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां भी सीज की हैं। क्या वो संपत्तियां इन्होंने अपने पास से लाकर के रख दी हैं? और रही बात भ्रष्टाचार की, जब हम बात करते हैं तो ये दो मुही बात करते हैं, एक तरफ ये बात करते हैं बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते हैं, परंतु यही आम आदमी पार्टी के नेता वो बताइए, मत बोलिए ईडी और सीबीआई जो है कितनी। अगर आप इससे बोले, पहले आप बोल लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, मुझे तो डिबेट को डिबेट रखना, सब्जी मंडी नहीं बनाना, आप बोल लीजिए, मैं बोल दूंगा बाद में। सर, मैं तो सवाल जब आप सवाल कर रहे थे तब तो मैं चुपचाप सुन रहा था ना जी, मैं आपके बीच में बोला क्या? शुभ, एक बार उनको अपना जवाब देने दीजिए, ये इट शुड बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड। कहना है आज जो आरोप लगा रहे हैं ये वही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, जो रामलीला ग्राउंड में खड़े होकर के जिन्होंने कहा था राहुल गांधी, सुशील शिंदे और जो है सलमान खुर्शीद और जो है जगमोहन रेड्डी, लालू यादव, कपिल सिब्बल, शरद पवार, ए राजा, मायावती, ये सब के सब जो है भ्रष्ट है, ये करप्ट है, मेरे पास इनकी फाइल है, इनको नंबरिंग दे दी थी, और ये कहा था मेरी सरकार आते ही इन सबको जेल भेजेंगे, मेरी सरकार आते ही 3 महीने के अंदर तत्कालीन उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, टैंकर घोटाला खत्म कर देंगे। आज इनके साथ दोस्ती हो गई, साथ तो बोले तो बोले, छल्ली बोले जिसमें सो छेद,
पहले अपने अंदर तो झांक करके देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपने जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए, जिन लोगों को आप ठीक है आ रहा हूँ सरकार साहब, बब्बर साहब आ रहा हूँ, ठीक है ठीक है, मैं इसी एक पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ, आ रहा हूँ चंद्रशेखर जी, एक मिनट आ रहा हूँ, एक बार जाना है शुभ मल्होत्रा के पास। शुभ, दो चीजें हैं, एक ईडी की कार्रवाई, एक विपक्ष का आरोप। थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं इन दो पॉइंट्स को अलग रख दीजिए। अब पॉइंट है कि आम आदमी पार्टी जो आई राजनीति में, वो सबसे बड़ा स्लोगन जो था, आ रहा हूं सरकार साहब आ रहा हूं, वो करप्शन के खिलाफ आया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के खिलाफ जो वैल्यूज थे उस पर आम आदमी पार्टी ने फोकस किया। दिल्ली की जनता या देश में जो भी आपके कार्यकर्ता वॉलंटियर्स जुड़े, वो इसी बात पे जुड़े कि नहीं साहब ये ईमानदार लोग, ये वो ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं है जो देश को बेच देंगे। आज जो आरोप लगे, चाहे वो सत्येंद्र जैन साहब हो या फिर मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह जी, जो भी आरोप लग रहे हैं वो सारे करप्शन के आरोप, कोई और आरोप नहीं है। आप राज्यसभा में लड़ाई झगड़ा करिए, विरोध करिए, आपको सस्पेंड कर दिया जाए, वो एक राजनीतिक मामला, ये करप्शन का आरोप हो सकता है क्लीन चिट हो जाए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आरोप लगा है। क्या ये परसेप्शनल डेंट है आम आदमी पार्टी को, जो पार्टी एक राज से दूसरे राज तक गई, धीरे धीरे देश में अपने आप को बढ़ा रही है, तो वो जो टैगलाइन थी आम आदमी पार्टी वाली ईमानदारी की, उस टैगलाइन को थोड़ा सा दिक्कत पहुंची है, उस टैगलाइन आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, दिल्ली की जनता ने तीन बार हमारे ऊपर इतने भयंकर रूप से विश्वास जताया, और भाजपा का तो खैर बहुत ही बुरा हाल करा हाल वाले एनसीडी इलेक्शन में, हमने इनको पंजाब से भी निकाल करके बाहर फेंका, पंजाब की भी जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया। उसके अलावा भाजपा के गढ़ गुजरात में, वहां पर लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया, और गोवा और गुजरात ने मिलकर के हमें 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाया, जो कि भारत के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड। तो इसमें कोई डेंट नहीं होने वाला जो इमेज है। हाँ, डेंट ईडी के इमेज में है, क्योंकि देखिए कि अभी से कुछ ही महीनों पहले की बात है कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम लिख दिया, और संजय सिंह ने सीधा सीधा मानहानि का केस कर दिया कि कैसे नाम लिख दिया तुमने भाई, तो ईडी कोर्ट में क्या कहती है, कहती है मिसप्रिंट हो गया, गलती से लिखा गया। इतनी शर्म की बात है। आप देखिए कि जो ये ललित मोदी हैं, जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का जो कमिटी बनाई गई थी, उसमें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत हरीश सालवे, उनकी शायद तीसरी शादी थी या क्या था, उसमें जो ललित मोदी, जो देश का सबसे बड़ा चोर है, वो वहां पर खुलेआम सोशलाइज करते, वो सबको, मतलब हरीश सालवे को मिल गया लेकिन ईडी को नहीं मिला आज तक। कर्नाटका में भाजपा के अपने MLA का बेटा वहां के लोकायुक्त, और ये सब अभी की घटनाएं हैं, ठीक है, आप तो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, मैं उससे भी उस पर भी आऊंगी कि आम आदमी पार्टी के ये बयान से, लेकिन ये तो अभी की घटनाएं हैं। अब हमारी तो आदत हो गई है कि हम अभी वर्तमान के बारे में पूछते हैं, तो हमें 10 साल पहले, 20 साल पहले नेहरू जी ये वो सब सिखाया जाता है। अरे अभी जो हो रहा है उस पर तो जवाब दीजिए। रेड हैंडेड पकड़ा गया बीजेपी के MLA का बेटा, 8 करोड़ रुपए लेते हुए, किसके द्वारा? कर्नाटका के लोकायुक्त के द्वारा। लेकिन तब भी ईडी सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों? क्योंकि उनके पास भाजपा का वॉशिंग पाउडर है जो वो लगा लेते हैं। वीरेंद्र बब्बर जी, वॉशिंग पाउडर की डेट में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। आप ठीक है वीरेंद्र जी, एक बात दे रही, फिर धर्मेंद्र यादव जी के पास जाना। वीरेंद्र जी, वॉशिंग पाउडर, मैंने बताया ना आपको, जैसे जैसे खुल रही है शराब, ये जो कड़ी जुट रही है ना, इनको हथकड़ी दिख रही है, ये डर रहे हैं आप, क्योंकि इनको दिख रहे हैं इनके पाप। सबूत साक्ष्य प्रमाण के साथ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इनका डर बन रहा है। अभी आप देखिए ना किस प्रकार से दूसरों को जो पाठ पढ़ाते हैं, अभी भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के CM है, उनके खिलाफ जब घोटाले की बात निकल के आई, तो सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुखपाल खारा को जब गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस ने विरोध किया, तो उन्होंने कहा कोई भी ड्रग डीलर जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। एक टाइम नाउ की पत्रकार जरा सी खबर छाप देती है तो उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, और ये कहते हैं हम एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। एजेंसी का दुरुपयोग कौन कर रहा है? देखने वाली बात यह है कि इनको यही नहीं पता आज तक कि एजेंसी का दुरुपयोग हो कहां रहा है, कर कौन रहा है। कट्टर ईमानदार की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री के चार चार पिलर
कट्टर बेईमान साबित हो चुके हैं। और ये जो अभी बात कर रहे हैं सीबीआई ने कोर्ट के अंदर जाकर के कहा कि मिसप्रिंटिंग हो गया, सीबीआई ने कोर्ट में जाकर ईडी ने कोर्ट में जाकर ये कहा कि एक जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। और जो दो दिन पहले तक संजय सिंह जी कहा करते थे कि छोटे छोटे बच्चों से खेल रहे हो, अगर दम है तो मेरे साथ खेलो, दम है तो मुझे गिरफ्तार करो, अगर चार्जशीट में मेरा नाम है तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते, जैसे ही सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा, जैसे ही उन्होंने बातचीत बताई, जैसे ही एविडेंस सामने आया उनको गिरफ्तार कर लिया। और मैं फिर कहना चाहता हूं एजेंसी का काम है केवल और केवल मुकदमा दर्ज करके एक्यूज को कोर्ट में पेश करना। यदि माननीय न्यायालय को लगेगा कि एक्यूज बेकसूर है, उसके खिलाफ जो है झूठे फ्रेम किए गए हैं चार्ज, तो वो उसे बेल दे देंगी। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, एक पॉइंट कन्विक्शन रेट हमने डिस्कस किया है। मान लीजिए ईडी आ रहा हूं चंद्रशेखर जी एक मिनट में धर्मेंद्र जी के बाद, धर्मेंद्र जी मान लीजिए ईडी ने कुछ फ्रेम किया, जैसे आज कोर्ट ने भी कई चीजों पर ईडी को क्रॉस क्वेश्चन किया, कहा आपने फोन ले लिया, अब आप क्या पूछेंगे, आमना सामना किससे करवाएंगे, तीन चार सवाल थे जो कोर्ट ने भी ईडी से क्रॉस क्वेश्चन किया जब ईडी ने कहा कि हमको 7 दिन की कस्टडी चाहिए। तो साहब अगर कुछ भी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई ऐसे सबूत नहीं है, कोई ऐसी चीजें जब्त नहीं हुई है, कोई रिकवरी नहीं है, तो फिर घबराहट किस बात की? राकेश जी आप मुझे बताइए, आप संजीदा पत्रकार हैं, अगर आप 5,906 करें और उसमें से सारे फ्लॉप हो जाए, 2500 बस काम के हों आपके, तो उसे आदमी कन्विक्शन रेट फेल की बात करे ना करे किस बात करे? अगर कोई अधिकारी कोई जांच एजेंसी अगर इतनी बार फेल हो रही है और उसके बाद जब विपक्ष का हमने आंकड़ा बताया तो विपक्षियों में आपने देखा कि 176 में से 115 के विपक्षियों पर है। अगर अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, नहीं तो उससे पहले वो आटा चक्की पिसवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे थे कि मैं उनको चक्की पिसवा दूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कौन सी चक्की है जिसका आटा खाना शुरू कर दिए भारतीय जनता पार्टी के लोग? तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही खराब है। अगर इनकी नीयत खराब नहीं होती तो चुनाव आयुक्त जो बनता है उसके कमेटी में प्रधानमंत्री होते हैं, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और विपक्ष का नेता होता है। अब विपक्ष के नेता को हटा करके भारत कैबिनेट के एक मंत्री को डालने की बात कर रहे हैं, तो इनको डर खुद लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, विपक्षियों को नहीं मैं लग रही है। थोड़ा सा जो ये लाइन आपने कही है, मैं थोड़ा सा फैक्चुअली शायद मैं आप बहुत विद्वान आदमी है, जो मैंने बिल पढ़ा था उसमें विपक्ष का नेता रहेगा चीफ जस्टिस को हटाने की बात, जो मैंने बिल पढ़ा है, हो सकता है आपके पास कोई लेटेस्ट वर्जन हो, लेकिन जो आप ये नियुक्तियों की बात कर रहे थे इसमें विपक्ष का नेता है कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट सेक्रेटरी, जो चीफ जस्टिस की भूमिका थी वो हटाया गया, ये मेरा फैक्ट है, बाकी आप स्वतंत्र बोलेंगे। नहीं नहीं मैं हो सकता मैं गलत हूँ यहाँ पे, मैं इसको एडमिट करता हूँ। मैं बस बताना ये चाह रहा था कि सरकार के अगर दो लोग होंगे, तीन लोगों के कमेटी में दो लोग सरकार के हो जाएं, एक प्रधानमंत्री हो जाए, एक कैबिनेट मंत्री हो जाए, सेक्रेटरी हो जाए, तो उसका बहुमत तो अपने आप हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है, कल को कोई दूसरी सरकार आ जाए तो ये कह देना चाहिए ना कि सरकार और चुनाव आयुक्त, सरकार ही चुनाव आयुक्त है। तो जो लोकतंत्र का जो है, जो लोकतंत्र का जो फैब्रिक है, उस फैब्रिक को ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब न्यायपालिका का मतलब नहीं रखता है। चंद्रशेखर जी, ये बहस कब तक चलेगी? न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं रखता। जब जब कार्रवाई होगी और विपक्ष किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई होगी तो बात घूम फिर कर वही आ जाएगी, ये नहीं साहब विपक्ष का नेता है इसलिए ईडी सीबीआई डीआरआई सब पहुंच जाती है। ये बहस का अंत कहां तक होगा और कैसे होगा? देखिए ये बहस तो जो है अंत तब तक नहीं होगा जब तक ये रिवेंज लेना बंद नहीं करेंगे। एक तो चीज सिंपल है कि ये रिवेंज पॉलिटिक्स बंद करें और ईडी सीबीआई मिसयूज हो रही है ये क्लियर है और ये एकदम दिख रहा है कि जिसके एक स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी को एक्यूज ने जो है अप्रूवर बन के एक स्टेटमेंट दे दिया 164 का, उसके बेसिस पे ईडी प्रोसीड करती है एंड विदाउट एनी मनी ट्रेल और सर्च एंड सीजर में उनको कुछ नहीं मिलता है, तो ये सारी चीजें प्रमाण करती है कि ये रिवेंज पॉलिटिक्स है। और ईडी और सीबीआई कौन गाइड कर रहा है? पीएमओ गाइड कर रहा है और सबको पता है और ये क्लियर है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो है ये जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है और ये जब तक चलेगा तब तक चलेगा। ठीक है, आ रहा हूँ संजय सरकार जी आपके पास आ रहा हूँ, एक बार वीरेंद्र बब्बर जी के पास। वीरेंद्र जी दो पॉइंट है, एक पॉइंट है अजीत पवार वाला, दूसरा है मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज का। देखिए जिस प्रकार से अभी मेरे आदरणीय मित्र कह रहे थे कि कुछ मिला नहीं, हमें तो पता नहीं कुछ मिला या नहीं मिला, मेरे आदरणीय मित्र को कहां से जानकारी मिली कुछ मिला या नहीं मिला,
अगर कुछ मिला या नहीं मिला वो तो कोर्ट के अंदर पेश होगा। अगर आज ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी है, 7 दिन की रिमांड मांगी है, संजय सिंह फिर बीच में बोल रहे हो सर, सर आप बड़े आदरणीय है, आप थोड़ा सुनना सीखिए ना, थोड़ा सुनना सीखिए सर प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मैं आप ही की बात को, मैं आप ही की बात को आगे चला रहा हूँ सर। आपने कहा कि कुछ नहीं मिला, आप ही ने तो कहा, मैंने तो नहीं कहा ना, अभी आपने कहा, लेकिन आप गलत कह रहे हैं सर, अभी अभी आपने कहा कि कुछ नहीं मिला, ये ना कानून में क्या प्रोविजन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ मिला या नहीं मिला, आपको जानकारी कहाँ से मिली? अभी तो ये तो चैनल पे बैठ कर बयान दे रहे हैं कि ईडी को कुछ नहीं मिला, कुछ मिला या नहीं मिला? अरे संजय सिंह कोई ऑर्डिनरी आदमी है क्या जो उनको ईडी ऐसे उठा के ले जाएगी? वो सम्मानित सांसद है, राज्यसभा से सांसद है। अरे भाई साहब पब्लिक मनी को घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, आप पहले बोलिए, पहले बोलिए, मैं तो डिबेट को डिबेट रखूंगा, सब्जी मंडी नहीं बनाऊंगा, आपसे पेशेंस नहीं है, आप बर्दाश्त नहीं है सुनने की, सुनने की बर्दाश्त नहीं है, आपके पास सुनना नहीं चाहते, सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के अधूलों पे चुनाव सामने आ रहे हैं इसलिए आपको भ्रष्टाचार करने की छूट दे दी जाए, चुनाव सामने आ रहे हैं इसलिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, चुनाव सामने आ रहे हैं इसलिए भ्रष्टाचारियों से पूछताछ ना की जाए, चुनाव सामने आ रहे हैं इसलिए भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता लोकतंत्र। ठीक है, आ रहा हूँ एक बार चंद्रशेखर झा जी, आ रहा हूँ एक मिनट, जैसे वीरेंद्र पब्बर जी को बात पूरी करनी थी, एक बार संजय सरकार जी को रोक ले। संजय जी, इतने सारे घोटालों का नाम सुनते हैं और सब कुछ विपक्ष के नाम है, विपक्ष की सरकारों के नाम है, तो जांच एजेंसियों को कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा, तभी रेड डालने जाते हैं, घंटों रेड चलती है उसके बाद गिरफ्तारी होती है, कुछ तो मिलता ही होगा साहब, नहीं तो संजय सरकार जी आपके यहां क्यों नहीं रेड हुई आज तक? देखिए मेरे को बोलने दीजिएगा, बीच में मत टूकिएगा, क्यों मेरे को बहुत वक्त कम देता है, अब मेरे को कुछ बोलने दीजिए, ठीक है? अच्छा, बेपम किलंकारी आपको मालूम है सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ कि नहीं है? और दूसरा नंबर ये आपको येदुरप्पा के यहाँ पर जो बेलड़ी में जो आपको रेड्डी ब्रदर्स वाला मैटर था माइस, उसमें घोटाला हुआ कि नहीं है? अच्छा, प्रेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उसको संपत्ति जो है उसको 200 करोड़ के ऊपर में, कैसे 200 करोड़? तो राजघराना का भी नहीं है, कोई ये सिंधिया जैसे परिवार से नहीं है, कोई राज परिवार से नहीं है, तो उसको इतना प्रॉपर्टी हो इसके ऊपर में क्यों ये जांच एजेंसी के लिए? मोदी जी बोले हम खाएंगे भी नहीं, खाने भी नहीं देंगे, बोला था ना, लेकिन खा भी रहे हैं और अपने आदमियों को खिला भी रहे हैं। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता है, हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है ना, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सरकार है ना, तो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हुआ ना मोदी जी को समय में हो चुके हैं, क्यों 7.5 लाख करोड़ सिर्फ NHAI में हुआ, नेशनल हाईवे में हुआ है, 29,80,000 करोड़ रुपया अदानी लेकर बैठा हुआ है, जिसमें SBI में 2014 में पैसा लिया था, जिसमें एक पैसे भी नहीं लगा। दो मंत्री जेल में, आपके राज्यसभा सांसद पर कार्रवाई, एक प्रेशर तो होगा आम आदमी पार्टी पर, या आपको लगता है कि ये भी एक पॉलिटिक्स का, इस सिस्टम का एक हिस्सा है? 30 सेकंड में मेरे को खत्म करने दीजिए, कर लीजिए सरकार साहब, कर लीजिए, आ रहा हूँ, शुभ आप ही की तरफ से बोल रहे हैं, वो भी
देश का प्रधानमंत्री 1,20,00,000 रुपया का महीना में मशरूम खाता है, वो प्रधानमंत्री जनता और गरीब को जो तथ्यों के साथ रखिए संजय जी, आप अगर आवाम बिल्कुल बोलते रहे तो कैसे बहस चल पाएगी? ठीक है संजय जी, आ रहा हूँ, रुकिएगा संजय जी। संजय जी देखिए 10 सेकंड आपने मांगे, पूरे 30 सेकंड आपको दे दिए, ईमानदारी से दिए, अब जरा रुक जाइए। एक बार शुभ के पास, शुभ दो मंत्री जेल में, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता ईडी के पास, क्या ये प्रेशर है या फिर आम आदमी पार्टी अब समझती कि हाँ आप पॉलिटिक्स में आए तो ये भी एक पॉलिटिक्स का पार्ट है, झेलना पड़ेगा? बिल्कुल, हम मानते हैं कि ये पॉलिटिक्स का आजकल बन गया है पार्ट, पहले इतना नहीं था। जो ये हम कन्विक्शन रेट और इन सब की बात कर रहे हैं, 2004 से 2014 का स्टेटिस्टिक है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करा उसमें मात्र 50-60% हुआ करते थे ऑपोजिशन से, और ये पार्लियामेंट में टेबल की हुई रिपोर्ट है कि आज के डेट में वो 95-100% के बीच में है। तो हम तो तैयार हैं, और हमारे सीएम भी जो अभी भी बोलते हैं कि कट्टर ईमानदार हैं, एक भी आप साबित करके दिखा दीजिए, 9 घंटे मेरे को बिठा करके आप कर लीजिए मेरी इन्वेस्टिगेशन, या आप चले जाइए पैतृक गांव संजय जी के, आप जैसे आप मनीष सिसोदिया के गांव गए थे उनके भी आप सारे दीवारें तोड़ करके और मैट्रेस फाड़ करके देख लीजिए, कुछ भी मिलेगा तो कर दीजिए। अब लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे इनको एक तो बेल क्यों नहीं मिल रही, और दूसरा ये कि कैसे ईडी ऐसे ही एक स्टेटमेंट के बदौलत कैसे रेड कर सकती है, उनके पास कुछ तो क्रेडिबल एविडेंस होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2000 मोदी सरकार मैं कम समझती हूँ। बताइए क्या करिएगा, फिर आपके समझने से तो कानून नहीं चलेगा, कानून तो कानून के अनुसार चलेगा। पहले पहले करो भ्रष्टाचार, फिर करो शिष्टाचार, और कभी सीपीआई कार्यकर्ता को बोलो अत्याचार अत्याचार, क्या ये सरकार का बयान है कि कम है। देखिए आपकी बौखलाहट है ना, उससे पता चल रहा है कि तो सामने वाले शांत होइए, आता जा रहा है बोलते जा रहे हैं, ईडी के पास कोई एविडेंस है या नहीं है आपको ये बताएगा, बौखलाहट के अंदर जा रहे हैं, कोर्ट में पता लगेगा ईडी के पास एविडेंस है कि नहीं है। डर बैठ गया है जो चुनाव राज्यों के वो भी आप मारेंगे, और जो 2024 में होने वाले चुनाव है वीरेंद्र जी बढ़ाइए। ये अब ये जो कार्रवाई है, जो मंत्री जेल में है या पूर्व मंत्री है संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब ये हार की बौखलाहट है, आने वाले समय में बीजेपी हार रही है इसलिए बदला ले रही है पहले से। बौखलाहट है, ये बहुत जेल को एक्सटेंशन करने पड़ेंगे। हजारों बेगुनाह बच जाए पर किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए शुभ, आपको नहीं लगता ये जो लिकर पॉलिसी थी
दिल्ली सरकार की। शुभ, ये जो लीकर पॉलिसी थी, ये लीकर पॉलिसी ने कहीं ना कहीं डेंट दिया है आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी की सरकार को, खास तौर से केजरीवाल साहब। ये एक लीकर पॉलिसी की वजह से आप सोचिए कितना बवाल है। नहीं, बवाल तो होगा, क्योंकि आप पहले ही जो ड्यू प्रोसेस है वो आप ड्यू प्रोसेस करिए। लेकिन ईडी को मैं यही पॉइंट कह रही थी कि 2019 में अमेंडमेंट ला करके और ईडी को एम्पावर करके ऐसा बनाया गया है कि बेल लेना, क्योंकि दी ओनर्स ऑफ प्रूविंग द माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल में हिस्सा हुए। संजय सिंह की गिरफ्तारी, उसके बाद ईडी ने पेश किया, आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, विपक्ष कह रहा है कि साहब सारी कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज क्यों करती है। एक तरफ कन्विक्शन रेट की बहस है तो दूसरी तरफ इस बात की बहस है कि अगर कोई नेता जेल जाता है तो जल्दी बरी भी नहीं होता। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।